हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से स्टॉक के बारे में जो बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक स्टॉक के नाम, उसका नाम जो है बालाजी। ठीक है, इसका स्टॉक का नाम है बालाजी। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, 53 के रेंज में चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 53 के रेंज में चल रहा है। अब क्या करने वाला दोस्तों, ये स्टॉक का जो है प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाला है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, हाथ में अगर आपका आ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, सोच लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉक अभी जो देख लीजिए एक बार, और करंट मार्केट प्राइस अभी बहुत छोटा है, और लगातार एक वीक से दोस्तों, 1 वीक से जो है स्टॉक में पॉजिटिवनेस देखी जा रही है दोस्तों। 1 वीक से जो है स्टॉक में अच्छा खासा पॉजिटिवनेस देखी जा रही है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, और कितने समय के लिए इसे स्टॉक को रखना था? ऐसे स्टॉक को दोस्तों हमें कुछ ही समय के लिए रखना है अपने पोर्टफोलियो में, और प्रॉफिट मिलते ही बेच के निकल जाना है। क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं जो लोअर सर्किट मारा था दोस्तों, वो 51 का, ठीक है, 51 के बाद जो है ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट कर दिया है। और एंट्री पॉइंट अच्छा है कि नहीं, स्टॉक के हिसाब से ही यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो मतलब कि दोस्तों, स्टॉक जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे है, ज़्यादा ओवर मतलब कि ओवर वैल्यू में आपको नहीं मिला। और डिविडेंड के हिसाब से देखें तो दोस्तों 0.74% आपको मिला, मतलब हिसाब से देखें तो छोटा सा अट्रैक्टिव डिविडेंड ये नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हिसाब से ठीक ठाक बोल सकते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ जो है यहाँ पर देखी जा रही है दोस्तों, शेयर होल्डर पैटर्न में कम से कम तो इसके पास 50% रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए 30% है। तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, ज़्यादा कम से कम तो 50% रहना चाहिए दोस्तों, तो वो स्टॉक जो है कंसीडर होता है एक मतलब गुड क्वालिटी स्टॉक में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 45% इन्होंने जो है पब्लिक को ही दे दिया। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा बने रहने के लिए, प्रॉफिट हाथ में आ रहा तो लेके निकल जाए। और देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि स्टॉक तो जंप मार देता मार्केट ओपन होते, तो दोस्तों अगर मैं डेली वीडियो बना के अपलोड करूं, डेली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही अगर प्रॉफिट हो जाए, तो पेड सर्विसेज का क्या मतलब है? मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूं वो रास्ता सही है कि नहीं, मैंने जो स्टॉक का बोला प्राइस इंक्रीज होने के लिए वो इंक्रीज हुआ कि नहीं, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं। अगर पेड सर्विसेज में आप इंटरेस्टेड है तो वहां भी आप आके देख सकते हैं कि जब यहां पर मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही आपको बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता, तो अगर आप हमारे साथ रहते, ज्वाइन रहते, पेड सर्विस रहते, तो वहां पर आपको एक दिन पहले और अच्छे तरीके से ओपन मार्केट में ही आपको बता दिया जाता। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वीडियो को अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों के पास सही टाइम में पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको ओपन मार्केट बंद होने के बाद बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन वो कल के लिए, लेकिन वो स्टॉक आपके हाथ में आ सकता है। ठीक है, वो देखिए जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया जाता है दोस्तों, वो जो वीडियो होता है वो होता है न्यूज़ बेस्ड पे होता है, सीजनल अफेक्ट के बेस पे होता है। ठीक है, प्राइस चेंज के वजह से होता है दोस्तों, प्राइस वॉर की वजह से होता है। तो वो क्या होता है, अगर हाथ में आ गया स्टॉक तो आपको बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाएगा। जो इवनिंग में वीडियो अपलोड किया जाता है दोस्तों, वो स्मूथली मतलब अगर आप 1-2 दिन बाद भी खरीदते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या प्रॉफिट चाहिए, तो दोनों में से किसी भी मिल जाए तो वो मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो हाथ से निकल जाए उसको मत पकड़िएगा। ठीक है, इवनिंग वाले स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा फोकस करो वहां, और यहां पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट सुबह सुबह दे दिया जाता है।